सो वेलकम बैक अगेन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सेलुलर सिस्टम, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की जिसको हम लोगों ने सेल स्प्लिटिंग का नाम दिया था। तो आज एक नई स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज सेक्टरिंग। ओके, सो एज शोन इन सेक्शन 2.7.1, इट इज टॉकिंग अबाउट द सेल स्प्लिटिंग। तो सेल स्प्लिटिंग अचीव्स कैपेसिटी इंप्रूवमेंट बाय एसेंशियली रीस्केलिंग द सिस्टम by decreasing the cell radius r and keeping the co-channel reuse ratio d by r unchanged। तो क्या किया था हम लोगों ने सेल स्प्लिटिंग में, सेल के रेडियस को क्या कर दिया था, कम कर दिया था। सेल का रेडियस कम करने के कारण हम लोग जो है छोटे छोटे सेल्स ज्यादा बना पा रहे थे। बट ये छोटे सेल्स बनाते समय हम लोगों ने ये ध्यान रखा था कि हम जो चैनल रीयूज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो फ्रिक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट है, वो अनचेंज रहे। ठीक है, तो सेल स्प्लिटिंग इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चैनल्स पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली वी स्टडीड इट इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर। हाउएवर अनदर वे टू इंक्रीज कैपेसिटी इज टू कीप द सेल रेडियस अनचेंज्ड एंड सीक मेथड्स टू डिक्रीज द डी बाई आर रेशियो। और भी ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जिसमें हम सेल के रेडियस को अनचेंज रखें, जैसे प्रीवियस केस में हमने रेडियस रिड्यूस किया था। और ऐसे मेथड्स कोशिश करें अप्लाई करने की जिससे हम डी बाई आर रेशियो को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ये डी बाई आर रेशियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने हैंड ऑफ डिस्कस किया था, उसके बाद जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरफेरेंस के बारे में। सो इन दिस अप्रोच कैपेसिटी इंप्रूवमेंट इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर एंड दस इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी रीयूज। क्या कैसे कैसे करेंगे हम लोग कैपेसिटी इंप्रूवमेंट, हम नंबर ऑफ सेल को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और फ्रीक्वेंसी रीयूज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हाउएवर इन ऑर्डर टू डू दिस इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिलेटिव इंटरफेरेंस विदाउट डिक्रीजिंग द ट्रांसमिट पावर। इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना है और इंटरफेरेंस रिड्यूस करते समय यह भी ध्यान रखना है कि ट्रांसमिशन की पावर जो है वो कम ना हो। एक नया चैलेंज। सो द को चैनल इंटरफेरेंस इन अ सेलुलर सिस्टम में बी डिक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग अ सिंगल ओमनी डायरेक्शनल एंटीना एट द बेस स्टेशन बाय सेवरल डायरेक्शनल एंटीनास ईच रेडिएटिंग विद इन अ स्पेसिफाइड सेक्टर। तो को चैनल इंटरफेरेंस जो है हम कैसे डिक्रीज करेंगे, एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगा देंगे बेस स्टेशन पे और सारे जो सेवरल डायरेक्शन है उसके एंटीना को उसको सेट कर देंगे। इस तरीके से सेट करेंगे कि वो एक स्पेसिफाइड सेक्टर को एड्रेस करे। ठीक है, मतलब उसका जो रेडिएशन है वो एक स्पेसिफाइड सेक्टर को एड्रेस करे। बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीनास, आपको पता है डायरेक्शनल एंटीना क्या होते हैं, है ना। तो डायरेक्शनल एंटीना का जो गोल है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एरिया तक जो है वो लिमिटेड रहता है। ठीक है, उसका जो रेंज है, उसकी जो ट्रांसमिटिंग पावर है, उसका जो ट्रांसमिशन सिग्नल है वो एक डायरेक्शन के लिए डायरेक्टेड होता है, तभी वो डायरेक्शनल एंटीना है। So by using directional antennas, a given cell will receive interference and transmit with only a fraction. Let us go ahead. Fraction of the available co-channels. The technique for decreasing co-channel interference and thus increasing system capacity by using directional antennas is called sectoring. अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करना और डायरेक्शनल एंटीना के थ्रू उसको हैंडल करना। सो द फैक्टर बाय विच द को चैनल इंटरफेरेंस इज रिड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सेक्टरिंग यूज्ड। को चैनल इंटरफेरेंस जो रिड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में आप सेक्टरिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अ सेल इज नॉर्मली पार्टीशनड इनटू 3 120 डिग्री सेक्टर्स और 6 60 डिग्री सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 2.10A and 10B। तो 2.10A और 10B में ये बताया गया है कि किस तरीके से आप जो है सेक्टरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये 120 डिग्री का एक पैटर्न है जो ए में दिया हुआ है और वैसे ही 60 डिग्री का पैटर्न है जो बी में दिया हुआ है। देखिए, हेक्सागोनल अगर सेल है और अगर मैं अपने सारे सेल्स के एजेस को, मैं हेक्सागोनल सेल्स के एजेस को अगर मैं सेट कर देता हूँ 120 डिग्री 120 डिग्री पे, मतलब एजेस को नहीं, सॉरी, जो सेंटर से जब हम एंगल बनाएंगे उसको अगर 120 डिग्री 120 डिग्री में सेट कर देता हूँ, तो ये टोटल कितना डिग्री कवर कर लेगा, 360 डिग्री कवर कर लेगा। ठीक है, या तो मैं ये कर सकता हूँ या तो मैं क्या करूँ, 60 डिग्री की सेक्टरिंग बनाऊँ और अपने
सेल को सिक्स डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दूं, तो या तो मैं 60 डिग्री का एंगल ले सकता हूं, या तो मैं जो एंगल है वो 120 डिग्री का ले सकता हूं। अगर मैं 120 डिग्री का एंगल लूंगा तो मेरे जो है वो कितने सेक्टर बन जाएंगे, तीन सेक्टर बन जाएंगे, और अगर मैं 60 डिग्री का एंगल लूंगा तो मेरे सिक्स सेक्टर्स बन जाएंगे। 2.9 की बात हमने नहीं की है, ये जो 2.9 है वो इलस्ट्रेशन है सेल स्प्लिटिंग का विद इन 3 किलोमीटर। तो सेल स्प्लिटिंग तो वी ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, कि सेल कैसे स्प्लिट होता है। तो ये 2.9 जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना, इसमें सेल स्प्लिटिंग का कंसेप्ट बताया है, छोड़ देते हैं इसको। 2.10A और 10B ही हमारे काम का है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया जो फिगर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, व्हेन सेक्टरिंग इज एम्प्लॉयड द चैनल्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेल आर ब्रोकन डाउन इनटू सेक्टर्ड ग्रुप्स एंड आर यूज्ड ओनली विद इन अ पर्टिकुलर सेक्टर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.10 एंड 2.A and B, 10A एंड 10B। अस्यूमिंग 7 सेल रीयूज, मतलब फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो फ्रीक्वेंसी है कितनी रहेगी, 7 रहेगी। फॉर द केस ऑफ 120 डिग्री सेक्टर्स द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस इन द फर्स्ट टीयर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 2। ये मेजर किया गया है कि अगर हम 7 सेल रीयूज करते हैं और 120 डिग्री का सेक्टर लेके चलते हैं तो जो इंटरफेरेंस है फर्स्ट टीयर में वो रिड्यूस हो जाता है 6 से 2। दिस इज बिकॉज ओनली 2 ऑफ द 6 को चैनल सेल्स रिसीव इंटरफेरेंस विथ अ पर्टिकुलर सेक्टर्ड चैनल ग्रुप। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ 2 ही चैनल जो हैं आउट ऑफ 6 को चैनल्स रिसीव करते हैं उस इंटरफेरेंस को उस पर्टिकुलर सेल के ग्रुप, ठीक है। रेफरिंग टू फिगर 2.11, कंसिडर द इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस्ड बाई अ मोबाइल लोकेटेड इन द राइट मोस्ट सेक्टर इन द सेंटर सेल लेबल्ड 5। There are 3 co-channel cell sectors labeled 5 to the right of the center cell and 3 to the left of the center cell. अब चलिए तो देखना पड़ेगा figure में जाके कि ये center cell का मतलब इसका क्या है, ठीक है। So let us see the figure first. 2.11 की बात कर रहा है ये figure की, उसको हम देखते हैं फिर हम लोग discuss करते हैं आगे। ये देखो ये 2.11 figure है। अब इस 2.11 figure में क्या लिखा है इसका illustration of how 120 degree sectoring reduces interference from co-channel cells. Out of the 6 co-channel cells in the first tier, only 2 of them interfere with the center cell. If omnidirectional antennas were used at each base station, all 6 channel cells would interfere with the center cell. तो इसमें ये difference बताया गया है omnidirectional antenna और डायरेक्शनल एंटीना के बीच में। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का मतलब ये है कि वो सारे डायरेक्शन में सेम पावर को ट्रांसमिट करता है। जब उसका ट्रांसमिशन होता है तो वो सारे डायरेक्शन में सिग्नल्स को क्या कर सकता है, भेज सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्शनल एंटीना की बात करें तो हम डायरेक्शनल एंटीना के साथ ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर एरिया को मुझे टारगेट करना है और इसी पर्टिकुलर सेल के सेक्टर को ही मैं क्या करूंगा, अपनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, अपनी ट्रांसमिशन प्रोवाइड करूंगा और वायरलेस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करूंगा। आप इसको बिल्कुल भिलाई से कंपेयर कर लीजिए, 10 सेक्टर्स हैं, तो अगर 10 सेक्टर्स में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ सेक्टर 7 को ही सर्विस देनी है तो मुझे उसके लिए एक डायरेक्शनल एंटीना को यूज करना पड़ेगा। लेट अस से कि आपने सेक्टर 5 को सेंटर जोन बनाया हुआ है और आपने एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज किया हुआ है, तो सेक्टर 5 के साथ सेक्टर 4 भी जुड़ा हुआ है, फिर 6 भी जुड़ा हुआ है, 7, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम इस तरीके से ओमनी डायरेक्शनल एंटीना को यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंटरफेरेंस आ जाएगा। तो ऐसा ना करके मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि भाई मेरा जो एंटीना है वो डायरेक्टेड रहेगा सिर्फ सेक्टर 7 की तरफ, ठीक है। तो एक एग्जांपल देने की कोशिश की गई है कि जैसे ये सेल नंबर 5 की आप बात करो, तो सेल नंबर 5 जो है वो एक डायरेक्शनल एंटीना को यूज कर रहा है, हर जगह पे जहां जहां पे भी 5 है आप देखो, ठीक है। और उसके आसपास देखो अलग अलग 6 सेल्स को दिखाया गया। तो फिगर से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर हम डायरेक्शनल एंटीना लेते हैं और अगर सेल नंबर 5 की बात करते हैं तो उसको सिर्फ 2 ही को चैनल से क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा, बाकी को चैनल से उसको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से सेक्टरिंग करके आप को चैनल के इंटरफेरेंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया है कि जो लेवल 5 है वो आपका जो है वो सेंटर सेल है, ठीक है, और उसके साथ 3 को जो चैनल सेल लेफ्ट में है और 3 को चैनल को जो चैनल है वो राइट में, जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया अभी वो 1 2 3 4 7 जो लिखा हुआ था, ठीक है। आउट ऑफ दिस 6 को चैनल सेल्स ओनली 2 सेल्स हैव सेक्टर्स विथ एंटीना पैटर्न्स
which radiate into the center cell, and hence a mobile in the center cell will experience interference on the forward link from only these two sectors, जैसे मैंने बता दिया आपको. आगे चलते हैं. resulting S upon I, S upon मतलब signal to interference ratio for this case can be found using the equation 2.8 हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था S upon I, मैं उस वापस नहीं जा रहा हूँ उसमें, है ना. हम लोगों ने दो लेक्चर पहले ही डिस्कस कर चुका है 2.8. आप चाहें तो वापस जाके देख सकते हैं S by I का रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. वो आता है 24.2 dB, which is a significant improvement over the omnidirectional case in section 2.5, where the worst case S upon I was shown to be 17 dB. तो 17 dB signal to interference ratio था, अभी हो गया वो 24.2 dB. तो जब हम sectoring करते हैं तो हमारा जो signal to interference ratio है वो क्या हो जाता है, increase हो जाता है. और हमको सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को इम्प्रूव करना ही करना है. जैसे हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. SNR अगर हाई हो तो आप बोलते हो कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो आपके नॉइस के कंपैरिजन में हाई है. वैसे ही अगर आप सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो को हाई रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका सिग्नल जो है वो इंटरफेरेंस को अवॉइड कर पा रहा है. एज सिंपल इज दैट. ठीक है. सो इन प्रैक्टिकल सिस्टम फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ S upon I इज अचीव्ड बाई डाउन टिल्टिंग द सेक्टर एंटीना such that the radiation pattern in the vertical या जो elevation plane है has a notch at the nearest co-channel cell distance. ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने antenna को इस तरीके से set कर दो कि notch, समझते हो आप, notch मतलब एक curve होता है जो नीचे की तरफ, जब हम, मैं ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगा आपको. notch filter अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो ऐसे समझ लीजिए आप, कौन जैसा shape होता है उसका. ठीक है. इसका मतलब बिल्कुल डायरेक्शन उसका सेट होगा एक कहना चाहिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की तरफ और पर्टिकुलर रेडिएशन के लिए एक सेक्टर की तरफ. तो और इससे सेल का डिस्टेंस भी जो है, नियरेस्ट सेल का डिस्टेंस है वहां पे आप ये क्रिएट कर सकते हैं. और इस तरीके का जब आप पैटर्न लेते हैं तो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो और भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा डायरेक्शनल हो जाता है. हम डायरेक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एक्चुअली बाई अप्लाइंग दिस नॉच मेथड. So the improvement in S upon I implies that with 120 degree sectoring, the minimum required S upon I of 18 dB can be easily achieved with 7 cell reuse as compared to the 12 cell reuse for the worst possible situation in the unsectored case. हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये reuse के बारे में. Thus sectoring reduces interference with amounts to an increase in capacity by a factor of 12/7. ठीक है. अब 12/7 मतलब 12 frequency reuse की बजाय अगर मैं 7 का reuse करूँ तो किस तरीके से आप उसमें इंप्रूवमेंट देखते हैं, वो निकालने की कोशिश करिए उस रेशियो को. ठीक है. सो इन प्रैक्टिस द रिडक्शन इन इंटरफेरेंस ऑफर्ड बाय सेक्टरिंग इनेबल प्लानर्स टू रिड्यूस द क्लस्टर साइज एंड प्रोवाइड्स एन एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन असाइनिंग चैनल्स. द पेनल्टी फॉर इम्प्रूव्ड S upon I एंड द रिजल्टिंग कैपेसिटी इंप्रूवमेंट is an increased number of antennas at each base station and a decrease in trunking efficiency due to channel sectoring at the base station. Obviously, क्या disadvantage है? आपने ये तो बोल दिया कि भाई हमने directional antenna लगा दिया, हमने जो है direction set कर दिया sector के लिए, अब जो है better coverage जा रही है वहाँ पे, sectoring कर दी हमने, angle decide कर दिया, सब कर दिया हमने. But क्या penalty झेलेंगे आप? आप ये penalty झेलेंगे कि आप number of जो antennas है वो increase हो जाएंगे आपके पर यूनिट सेल पे, होंगे कि नहीं होंगे? आप ओमनी डायरेक्शनल एंटीना तो यूज नहीं कर रहे हो, अब आप डायरेक्शनल एंटीना यूज कर रहे हो, मतलब हर एक सेक्टर के लिए आपको एक डायरेक्शनल एंटीना यूज करना पड़ेगा. और जितने ज्यादा एंटीना होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है. तो आपका जो ट्रंकिंग एफिशियंसी है, जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ट्रंकिंग क्या होता है एंड ग्रेड ऑफ सर्विस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी इस मेथड से. Since sectoring reduces the coverage area of a particular group of channel, the number of handoffs increases as well. बिल्कुल सही बात है भाई. एक सेल के अंदर आपने 6 डायरेक्शनल एंटीना लगा दी और आपने 6 सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया एक सेल को, ऑब्वियसली हैंडऑफ इंक्रीज हो गया, क्योंकि जितने बार मैं एंटीना स्विच करूंगा, मतलब जितने बार यूजर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाएगा उतने बार वो एंटीना स्विच करेगा, ठीक है, टू गेट द बेटर कवरेज, और उतने बार फिर हैंड ऑफ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस पर्टिकुलर मेथड के. फॉर्चुनेटली मेडी मॉडर्न बेस स्टेशन सपोर्ट सेक्टराइजेशन एंड अलाउ मोबाइल्स टू बी हैंडेड ऑफ फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर विद इन द सेम सेल विदाउट इंटरवेंशन फ्रॉम द एमएससी. सो द हैंड ऑफ प्रॉब्लम इज ऑफन नॉट अ मेजर कंसर्न.
तो फॉर्चुनेटली ये इन्वेंट कर लिया है साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, कि भाई सेक्टरिंग इस तरीके से की जाए कि मुझे बार बार मेन स्विचिंग सेंटर जो है मेरा मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसको बार बार मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत ना पड़े, और बिना मोबाइल स्विचिंग सेंटर को इन्फॉर्म किए आपका मोबाइल और एंटीना ही इतना कैपेबल हो कि वो आपस में क्या परफॉर्म कर सके, हैंड ऑफ परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो हैंड ऑफ जो है वो मेरा इतना मेजर कंसर्न नहीं। इट इज द नेक्स्ट पैराग्राफ इज इट इज द लॉस ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू डिक्रीज ट्रंकिंग एफिशिएंसी दैट कॉजेस सम ऑपरेटर्स टू शाई अवे फ्रॉम द सेक्टरिंग अप्रोच पर्टिकुलरली इन डेंस अर्बन एरियाज वेयर द डायरेक्शनल एंटीनास पैटर्न्स आर समवॉट इनएफेक्टिव इन कंट्रोलिंग रेडियो प्रोपोगेशन। तो अर्बन एरियाज में जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, आपको ट्रंकिंग एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि आप जो है अगर हैवी ट्रैफिक आ रहा है, हैवी लोड आ रहा है, और आप अगर सर्विस नहीं दे पा रहे हो, चैनल अलॉट नहीं कर पा रहे हो उसको, तो आपकी ये जो सेक्टरिंग मेथड है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो जनरली ऐसे एरियाज में, अर्बन एरियाज में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे हम इस सेक्टरिंग के मेथड को अवॉइड करते हैं, ज्यादा एंटीना लगाना हम प्रेफर नहीं करते, हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना पे ज्यादा बिलीव करते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्शनल एंटीना। Because sectoring uses more than one antenna per base station, the available channel in the cell must be subdivided and dedicated. अब एक base station में आप एक से ज्यादा antenna लगा रहे हो, तो आपको channel का क्या करना पड़ेगा? Subdivision करना पड़ेगा। तो आप एक specific antenna के लिए नीचे यहाँ पे ना, ये example number 2.9 के ऊपर लिखा हुआ है, two specific antenna, हर एक sector को आपको एक specific antenna की तरफ direct करना पड़ेगा। So this breaks up the available trunk channel pool into several smaller pools and decrease the turning trunking efficiency. Obviously, जब हम लोगों ने बात की थी trunking efficiency की, तो क्या बात की थी? कि भाई pool of channels available हैं आपके पास और बहुत सारे जो channel available हैं उसको आप क्या करते हो? User to user जैसे requirement है उसके हिसाब से आप उसको allot करते जाते हो। और आप ये देखते हो कि ऐसा नहीं है कि एक जो user है उसको channel को longer period of time के लिए use ही करता रहे, आपको उसको free भी करना है। तो ये सारी चीजें हैंडल नहीं हो पाएंगी अगर आप सेक्टरिंग मेथड लेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप नंबर ऑफ एंटीनास को इंक्रीज कर देंगे। जब आप नंबर ऑफ एंटीनास को इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल जो है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएंगे, उनके पूल डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेक्टरिंग का मेथड आपके लिए किस तरीके से एडवांटेजियस है और किस तरीके से डिसएडवांटेजियस भी। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्टरिंग मेथड। ये 2.9 एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की गई है कि किस किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल कर सकते हैं। ये बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है ना, इस पे ज्यादा हम जाएंगे नहीं, इसको आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे और ये हमारा जो है वो लास्ट क्लास होगी सेकंड यूनिट की। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी दैट हाउ द नॉवेल माइक्रो सेल जोन कंसेप्ट वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ सेलुलर सिस्टम इन वायरलेस कम्युनिकेशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।